नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीवर। पिपराड़ी प्रखंड के पुलवामा में शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। पिपराड़ी प्रखंड के कुमा पंचायत में आस्था की युवा विकास मंच के द्वारा पुलवामा शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुमा पंचायत के मुखिया शबनम सिंह, पूर्व जिला परिषद के सुमंदन प्रसाद, पूर्व सरपंच राजू मिश्रा और नीरज श्रीवास्तव और कुमा के नवयुवक लोग शामिल हुए। वहीं रविवार संध्या 7 बजे से महावीर मित्र मंडल सिगढ़ के तत्वाधान में पुलवामा हमले की दूसरी वर्षी पर पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को याद करते हुए कैंडल मार्च पिपराड़ी मेन चौक से दुर्गा मंदिर के पास तक निकाला गया। कैंडल मार्च निकालने के बाद शहीद सैनिकों ने की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। मौके पर मुकेश कुमार, शैलेंद्र, सुशील, राम बाबू, संतोष, समन, सोनू, अमित, दिनेश इत्यादि काफी संख्या पहले आतंकवादियों के तरफ से हमारे देश के 44 वीर जवानों का शहीद हो गया, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग याद करते हुए आज 14 तारीख को ऐतिहासिक बनाते हुए उनको पुनः याद करते हुए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। दिवस है कि हम इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। ये उन वीर शहीदों की शहादत का दिन है, उन वीर शहीदों का शहादत का दिन है कि आज मैं उनके श्रद्धांजलि के लिए सत सत नमन करता हूं और तहे दिल से उनका पुष्प अर्पित कर अपने भारत के उन वीर जवानों के लिए, उन मां के लालों के लिए मैं सत सत नमन करता हूं और सरकार से भी अपील करता हूं कि अच्छी से अच्छी कार्रवाई, बहुत कार्रवाई कर इसका, ये सभी का पर्दाफाश कर हम लोगों को जानकारी दे और जानकारी मिलेगी यह कि यह घटना कैसे हुई और कहाँ, इसका क्या कारण क्या था और क्यों हुआ। भारत माता की जय। बंदे मातरम। वीर शहीदों अमर रहे।